हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में, और आई होप कि आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं बीसीओसी 138 को लेकर के, जिसका एग्जाम जो है तुरंत ही होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए। पर उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको हमारे चैनल के बारे में। आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं, जिसके लिए आपको सिंपल सा ज्वाइन वाला बटन के ऊपर क्लिक करना है। पर उससे भी पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस बेल आइकन को दबा देना है। उसके बाद हमारे इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद, बीकॉम वाले सेक्शन में आने के बाद, इस ज्वाइन वाले बटन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ब्लू कलर का, इसको क्लिक करके एक नॉमिनल सा फी आपको पेमेंट करना है। जिस तरीके से आप ट्यूशन में फी पेमेंट करते हैं, वैसे ही आपके ट्यूशन में एक तरीका का ये ट्यूशन है जहाँ पे आपको फी पेमेंट करना है। यहाँ पे आपको असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, आपको 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको कोई सच्ची समझ में नहीं आ रही है तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आपको बहुत ही लो कॉस्ट पे नोट्स मिल जाएंगे, अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं जिनको पढ़ करके आप एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 70 to 80% मार्क्स आप आराम से ला पाएंगे। सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट इफ यू विल टेक आवर मेंबरशिप प्लान, है ना। तो इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं हमारे चैनल पे, वो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में आए। प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पे ढेर सारी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की। यहाँ पे आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट के साथ, उन प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस भी मिलेंगी जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है स्टडी। अब आगे चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स। तो ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। तो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर होगा तो उसको हम फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उसको कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से आइटम है जिनको रिकॉर्ड कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं किया जाता है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला है प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस, ऐसे चार्जेस जो कि फाइनेंशियल है नेचर में, इस तरह के चार्जेस को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने फिक्स्ड एसेट सेल किया, आपको वहां पे लॉस हुआ, तो आपको पता है कि फिक्स्ड एसेट की रिकॉर्डिंग हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते थे जब बैलेंस शीट बनाते थे, है ना। बैलेंस शीट लाइबिलिटी जब हम बनाते थे तो हम उसको करते थे, तो ये फाइनेंशियल चार्जेस हो गया, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, ईटीसी, आपने किसी भी तरह का डिस्काउंट दिया है शेयर्स या डिवेंचर्स को इशू करते वक्त, तो उसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट करा था बट उस इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस हुआ है, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है, हालांकि प्रॉफिट को भी रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है फाइनेंशियल नेचर की है, फाइनेंशियल चार्जेस है, है ना। सो फाइन्स एंड पेनल्टीज अगर आप पे करते हो तो वो भी फाइनेंशियल चार्जेस है, इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कोई डोनेशन आप अगर दे रहे हो वो भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स एंड मॉर्गेजेस, आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट मिल रहा है आपके बैंक लोन से या फिर मॉर्गेज आपने कुछ रखा है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उन सबको भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंट नहीं है, ये कॉस्ट अकाउंट है। इसके अलावा कैश डिस्काउंट जो आपको मिलता है उसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बिकॉज इट इज अ कॉस्ट अकाउंट। सो प्योरली जो फाइनेंशियल चार्जेस होंगे उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, प्योरली जो फाइनेंशियल इनकम होंगे उनको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने फिक्स्ड एसेट सेल करा वहां पे आपको प्रॉफिट हुआ। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आपने जो इन्वेस्टमेंट जो किया था उसमें से आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला है, तो उस केस में भी इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा कॉस्ट अकाउंट्स में, है ना। ट्रांसफर फीस रिसीव्ड, ट्रांसफर फीस जो है आपको रिसीव हुई है वो भी फाइनेंशियल नेचर का होता है, इसको भी कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आपने रेंट रिसीव किया या रेंट पे किया, कुछ भी आपका हो, आप इसको भी रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि ये भी फाइनेंशियल नेचर का है और कॉस्ट अकाउंटिंग में इसकी जगह नहीं है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में आपका जो डिविडेंड होता है, जो आप डिविडेंड पे करते हो, उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अमाउंट्स रिटन ऑफ लाइक गुडविल, गुडविल का जो अमाउंट है आपने उसको राइट ऑफ किया है, हटाया है, उसको भी कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स एंड ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स, है ना, जो ट्रांसफर ऑफ रिजर्व है इसको भी एक तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बिकॉज ऑल दीज आइटम्स दैट आई हैव स्पोकन टू, ये सारे के सारे आइटम्स जो है ये जो है फाइनेंशियल नेचर के हैं, फाइनेंशियल अकाउंट से डिपेंड, मतलब एक तरीके से जुड़े हुए हैं, तो इन सबको हम कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट्स, तो आप इन सारे आइटम्स को लिख सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, और हाँ, इसको लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, छोटा वीडियो है लेकिन इंपॉर्टेंट है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आया है कुछ चीज, अगर आपको अच्छी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है तो क्यों अच्छी नहीं लग रही है, कुछ सजेशन अगर आप देना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के आप ऊपर अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।
शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।